नमस्कार भाई और बहनों, भाई और बहनों, आप इस वीडियो में सीखोगे कि हम विंडो XP कैसे डालते हैं, वो भी लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है विंडो XP की CD होना ज़रूरी है, साथ ही हमारा जो DVD राइटर है वो वर्किंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लैपटॉप को ऑन करेंगे। लैपटॉप को ऑन करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये CD रूम है, इसके अंदर हमने CD डाल देनी है। CD इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद हमने लैपटॉप को ऑन करना है। तो इधर आप नीचे देखोगे कि ये बताएगा कि BIOS को कैसे बूट करेंगे, ये तो नीचे बता रहा है F10 और F12। अब 12 डाल दोगे तो डायरेक्ट बूट करेगा, और अगर आप F10 दबाओगे तो F10 से इसको BIOS की सेटिंग चेंज करेंगे। तो हम F10 दबाते हैं, तो हमने F10 दबाया। उसके बाद अब हमने जाना है एडवांस के अंदर। अगर आपका डेट और टाइम ठीक नहीं है तो आपको डेट और टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नीचे डेट और टाइम आ रहा है। उसके बाद आपको जाना है एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर जाने के बाद आपने बूट के ऊपर टिक करना है, फिर एंटर मारना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है अभी हार्ड डिस्क है और सेकंड फ्लॉपी ड्राइव है, तो हमने इसको F6 दबाकर अप करना है। तो यहाँ पर लिखा है चेंज वैल्यू F5 एंड F6 चेंज वैल्यू। तो F6 दबाएंगे तो ऊपर जाएगा और F5 दबाएंगे तो नीचे आएगा। तो हमने F6 दबाया तो हमने फर्स्ट बूट डिवाइस किया CD रोम, सेकेंड हार्ड डिस्क लिया। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये बता रहा है इधर F10 सेव एंड एग्जिट, तो हमने ये सेव करना है, F10 की दबा दी। उसके बाद हमने सेव एंड एग्जिट नो, इसके बाद हमने यस कर दिया। अब आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये CD रोम के ऊपर बूट का ऑप्शन आएगा, जब एक या दो या तीन या डॉट आएंगे तब आपने इंटर मारना है। जैसे ये डॉट आ रहा है, CD एक बूट कर गया, दो हो गया, तीन, चार, हमने इंटर मार दिया। अब इंटर की प्रेस कर दिए तो आप देखोगे सेटअप स्टार्ट हो गया। तो विंडोज़ हमारी इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई है। अब आपने दो या तीन मिनट वेट करना है। इसके बाद जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इसमें विंडो XP में होता है, वो चेंज करना होता है। तो उसको आपने अभी ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो देखनी है कैसे हम विंडो XP डालते हैं। तब तक आप वेट कीजिए। तो अभी आप देख रहे हो कि नीचे ये आ गया है, तो कह रहा है कि विंडो वेलकम टू सेटअप। अगर आप रिकवरी करते हो तो, रिपेयर करना चाहते हो तो R दबाओ, अगर विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंटर मारो। तो हमने, और अगर विंडो नहीं डालना चाहते तो F3 की दबाओ। तो हम विंडो इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो नीचे बता रहा है इंटर द कंटिन्यू, तो हमने इंटर प्रेस की। इंटर की जो होती है ये होती है, इंटर की हमने दबाया। इसके बाद ये नीचे बता रहा है F8, हमने F8 प्रेस करना है, आई एग्री करना है। अब ये जो इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हमारा मान लो कि हमारा डी ड्राइव के अंदर डाटा है और हमने सी को फॉर्मेट मारना है, सी और डी दो ड्राइव है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सी के ऊपर जाएंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे जैसे ये सिलेक्ट है, और नीचे हम करेंगे इंटर कंटिन्यू मारेंगे। नीचे बता रहा है कि इंटर द कंटिन्यू इंस्टॉल और डिलीट द डी दबाओगे तो डिलीट हो जाए। डिलीट से क्या होता है, डाटा सारा ख़त्म हो जाता है और दूसरे पार्टीशन का भी डाटा ख़त्म हो सकता है। तो डी को नहीं दबाना है आपको, आपने इंटर की प्रेस करनी है। तो आप ये देख रहे हैं, लीव द करंट फाइल सिस्टम इनएक्ट। अगर आप लीव कर देते हो तो लीव से ये ऑटोमेटिक ड्राइव सिलेक्ट कर लेता है। इससे आपका, मान लो कई बार आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है और अब आपको ये नहीं लग रहा कि हम कोई भी ड्राइव नहीं दिखा रहा कि हम विंडो कैसे डालें, दोनों के अंदर डाटा है, तो उस पोजीशन में हम लीव सिलेक्ट करते हैं। लीव के अंदर ये ऑटोमेटिक ड्राइव को सिलेक्ट करेगा मगर उसका डाटा नहीं डिलीट करेगा, उसके आप फाइल के अंदर आप डाटा ढूंढ सकते हो। और अगर फॉर्मेट करके हैं तो फॉर्मेट कैसे करते हैं,
फॉर्मेट ऑप्शन बता रहा है, फॉर्मेट फैट है, एनटीएफएस है। एनटीएफएस फाइल वो होती है जो 30 जीबी से ऊपर होती है, और फैट जो होती है जो 30 जीबी से नीचे होती है। तो हम इसको फैट 32 में करते हैं, क्विक में करते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो आपने हमने सेलेक्ट कर लिया फैट 32। अगर आप ओनली फैट फाइल सेलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके सारे बैड सेक्टर ख़त्म हो जाते हैं, और एन टी एफ एस ओनली सेलेक्ट करते हैं तो उससे बैड सेक्टर ख़त्म हो जाते हैं। अगर क्विक करते हैं तो क्विक से क्या होता है कि बैड सेक्टर ख़त्म नहीं होते, वो कुछ इसकी फाइलें छोड़ देता है, वायरस छोड़ देता है। तो ज़्यादातर हमें जो होता है फैट या एन टी एफ एस ही करना चाहिए, क्विक नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फैट सिस्टम में कराऊँ। क्विक के लिए आपको जब करते हो तो इसको एक या दो मिनट के अंदर इसको फॉर्मेट कर देता है, और फैट में करते हो या एन टी एफ एस में करते हो तो कम से कम आपका 15-20 मिनट फॉर्मेट करने के लिए लेगा, क्योंकि जो इसके अंदर बैड सेक्टर उनको ख़त्म करेगा। तो हमने क्विक में करना है अभी, तो आपको मैंने बता दिया है, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। क्योंकि विंडो 8 के द्वारा बड़ी से बड़ी हार्ड डिस्क का वायरस ख़त्म कर किया जा सकता है, और इसके अंदर वायरस नहीं आता। अगर बाकी हार्ड डिस्क के अंदर, अगर आपने विंडो 8 से इसको 90 XP से इसको फॉर्मेट किया है तो वायरस आने के चांस नहीं है। तो हमने क्विक में इसको नीचे बता रहा है इंटर, हमने इंटर मार दिया। अब बता रहा है F टू द ड्राइव फॉर्मेट F, अगर आपने फॉर्मेट करना है तो हमने F प्रेस किया, इंटर नीचे बता रहा है इंटर कंटिन्यू, तो हमने इंटर मार दिया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है फॉर्मेटिंग सिस्टम आपका फॉर्मेट हो रहा है। अब इसके बाद ये इंस्टॉलिंग होगा, इंस्टॉल होगा, तब तक आपको वेट करना है। ये देखा आपने फॉर्मेट हो गया, अब ये फाइलें कॉपी करेगा। तो फॉर्मेट करने से पहले आपको सीडी रूम के अंदर सीडी डालनी है विंडो एक्सपी की, और उसके बाद बायोस की सेटिंग करनी है। रिस्टार्ट करोगे तो आपको बोर्ड से एक या दो या तीन बार जैसे डॉट डॉट आता है, फिर आपने इंटर मारना है। अभी आप देख रहे हैं ये फाइल कॉपी कर रहे हैं, ये 100% तक फाइल कॉपी करेगा, उसके बाद ये दो बार रिस्टार्ट होगा। तब तक आपने वेट करना है, जो आगे आगे की सेटिंग होगी तो मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हो कि ये 93% हो गया है। तो अभी हमारा कंप्यूटर जो है, लैपटॉप है, रिस्टार्ट होने वाला है। तो आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, जो आपने सेटिंग एक बार कर दी उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंडोज़ इज कॉपिंग फाइल, 99% अभी हमारा लैपटॉप रिस्टार्ट होगा। तो कह रहा है प्लीज़ वेट द वाइल द सेटअप इंस्टॉलेशन योर विंडो एक्सपी कॉन्फ़िगरेशन, और कह रहा है सेटिंग द योर कंप्यूटर विल बी रिबूट द 13 सेकेंड, कि आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। तो आप इंटर मार सकते हो। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक सेटिंग करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई की इंटर नहीं करनी है। अब ये डॉट डॉट पर भी इंटर मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये बताएगा कि विंडो एक्सपी आपकी इंस्टॉल हो रही है और ये ऑन हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं हमारा विंडो एक्सपी का लोगो आया है, अब ये सेटिंग करेगा। तो फर्स्ट बता रहा है कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, डायनेमिक अपडेट ऑन प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग विंडो एंड फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन, सेटअप विल बी कंप्लीट इन द अप्रॉक्सीमेटली 39 मिनट, ये जैसे 15 मिनट लेगा। तब तक आपको वेट करना है, उसके बाद जो आगे की सेटिंग आपको बताई जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो 34 मिनट हो गया है। तो आपने वेट करना है या फिर रिस्टार्ट होगा, तो तब तक आपने वेट करना है इसको। आपने कोई भी की इंटर नहीं करनी है जब तक मैं ना कहूँ। हम सिर्फ एक बार ही फर्स्ट टाइम ही की को इंटर मारते हैं, उसके बाद हमने कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तब तक आप वेट करें, अभी हमारी विंडोज़ रिस्टार्ट होने वाली है। अब आप देख रहे हो कि ये आ गया है ऑप्शन इसमें। तो हमने क्या करना है, इसको आगे नेक्स्ट करना है, इंटर मारना है नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर नाम डालना है ABC, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, और ये विंडो एक्सपी की, विंडो की एक्सपी की होती है सीडी की, वो हम कैसे डालते हैं
अगर आपको याद नहीं है तो आप विंडो एक्सपी नहीं डाल सकते, या तो सीडी के ऊपर की कोड लिखा होता है तो वो डालते हैं। तो सीडी इसके VGBRB X2DDN JYDFW 22MQW 3G39Y। ये जो है विंडो एक्सपी की है 3G39Y। थ्री रह गया इसका 3G39Y। तो ये जो कोड ये है की है इसकी, ये मास्टर की है। किसी भी विंडो एक्सपी के अंदर डालोगे तो विंडो एक्सपी चल जाएगी। तो ये की कि हर किसी के पास नहीं होती। मैंने भी इसको 10 साल पहले विंडो इंस्टॉल की थी तो मुझे तो इसका पता है कि ये मास्टर की है। इसको आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंटर करना है। अब आपने इंटर मारना है, इंटर मार, फिर आपने नेक्स्ट करना है। अब आपको डेट और टाइम सेट करना है, कंट्रीज चूज़ करनी है। हम इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया में चूज़ करना है। इंडिया में क्या क्या आता है, कोलकाता, मुंबई या न्यू दिल्ली। तो हमने इंटर मार दिया। अब हमने क्या करना है, इंटर किया, फिर हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दिया। तो अब आप देख रहे हो कि हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो रही है। अब आपने अगर इसके बाद रिस्टार्ट होगा, ये रिस्टार्ट होने के बाद आपने कोई भी की नहीं दबानी है, तो आप ऑटोमेटिक चलने देना है इसको। ये ऑटोमेटिक सेटिंग पूछेगा, जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा, तब तक आपने वेट करना है। तो अब ये आ गया है, तो कह रहा है नेटवर्किंग सेटिंग। तो इसका अर्थ है कि आपका लैन कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। तो आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। और अब ये बता रहा है कि 29 मिनट लेगा, तब तक आपने वेट करना है। इसके बीच में एक आधी बार ये रिस्टार्ट भी होगा, तो तब तक आपने वेट करना है। आगे के जो भी आगे आगे ऑप्शन या स्टेप आएंगे वो आपको मैं बताता जाऊँगा इस वीडियो में। तो अभी आप देख रहे हो कि 90% 19 मिनट रह गए हैं, तो अभी ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो 39 मिनट ये पूरे लेता है, ऐसा नहीं है कि 30, अगर सिस्टम आपका फास्ट है तो 39 मिनट की बजाय वो 15 मिनट ले लेगा। तो आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हम विंडो एक्सपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे एक्सटर्नल डीवीडी राइटर हो। अगर इंटरनल डीवीडी राइटर है तो आपको इंटरनल डीवीडी राइटर चूज़ करना है, और एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल जिस कंपनी का होगा उसका आप नाम चूज़ कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हम विंडो एक्सपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि विंडो एक्सपी को आए हुए मार्केट में आज 15 साल हो गए और सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट था जो चल रहा था। अब अपने वेट करना है 5-10 मिनट, जैसे वेट मिनट ये वेट करेगा तो जैसे आप देखोगे कि ये अब 6 पर रुक गया है, तो इसका अर्थ है आपका सीडी भी ख़राब हो सकती है। तो आप सीडी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपने सीडी निकाल ली तो विंडो आपकी नहीं डलेगी। विंडो एक्सपी में ऐसा ऑप्शन होता है कि आप सीडी भी डाल दो तो वो सीडी, इसकी कुछ फाइल होती है वो कॉपी कर लेता है। तो ये मैंने सीडी को बाहर निकाला और हमने इसमें अब सीडी डालनी है, मगर सीडी जो होती है वो सेम होनी चाहिए तभी एक्सेप्ट करता है, ना कि सीडी आप डाल रहे विंडो एक्सपी और 7 की सीडी डाल दो। जैसे हमने ये सीडी डाल दी है, अब ये देखोगे ये चल गया होगा। अब ये 5 नंबर आ गया, तो 5 नंबर का था कि अब ये चल गया है, इसको जिस फाइल की रिक्वायरमेंट थी इसने इस सीडी से इसको उठा ली। तो ऐसे विंडो एक्सपी के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप सीडी डाल सकते हैं। अगर कोई सीडी आपकी काम नहीं कर रही है, सीडी रोम रीड नहीं कर रहा, तो आपको डीवीडी राइटर चेंज करना है। अगर सीडी काम नहीं करती तो सीडी चेंज कर सकते हैं। अब नंबर 4 मिनट रह गए, अब ये देखोगे इसके बाद ये रिस्टार्ट होगा ये और कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे आप विंडो डालना सीख जाओगे कि विंडो एक्सपी हम कैसे डालते हैं। ये जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा।
क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि विंडो एक्सपी हम कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। कि मुझे तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें काम किया है 5-6 साल विंडो एक्सपी के ऊपर। तो उस टाइम विंडो एक्सपी डाली जाती थी और एक एक प्रॉब्लम का मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे आती है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भाई जो बच्चे सीख रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर ध्यान से विंडो एक्सपी डालना सीखे कि कैसे डालते हैं और इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है जिसको हमें ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो अभी ये रिस्टार्ट होगा, अब ये 2 मिनट रह गया और 1 मिनट इसके बाद ये रिस्टार्ट हो गया। द रिमूव द टेम्परेरी फाइल यूज्ड। तो अब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। तो अब ये रिस्टार्ट हो गया, आपको कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। विंडो एक्सपी ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, चाहे विंडो एक्सपी है, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है, चाहे विंडो 9 है, विंडो 10 है। एक बार आपने जो सेटिंग कर दी उसके बाद आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उसके लिए प्रॉब्लम होती है आपको यूएसबी के पेन ड्राइव के साथ। अगर आपने यूएसबी पेन ड्राइव से विंडो एक्सपी डालना है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा सेकंड बार, नहीं तो आपको अगर सीडी और डीवीडी से डालें तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसको आपने ओके करना है। उसके बाद क्या रहा था, विंडो एडजस्ट योर स्क्रीन रेजोल्यूशन इफ़ यू रीड कैन यू टेक्स्ट टाइम इज ओके कंटिन्यू। तो हमने इसको ओके कर दिया है। इसके बाद हमने इसको थोड़ी बेसिक सेटिंग होती है जिसको ये लेता है, तो इसको हमने सेट करना है। तो ये क्लासिक विंडो का लोगो है। हमने इसमें क्या करना है, आगे नेक्स्ट करना है इधर से। उसके बाद हमने यहाँ पर ये टिक करना है, नोट राइट नो। फिर हमने नेक्स्ट करना है नीचे इधर। इसके बाद हमने ये कह रहा है फ़ोन से कनेक्ट करें, नहीं हम इसको स्किप करेंगे। और इधर हम लिखेंगे नो नो नोट एट दिस टाइम, रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर आपने यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम मैंने ABC डाल दिया, AC डाल दिया, ABC डाल दिया, कुछ भी डाल दो और नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। अब आपकी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो चुकी है और अब इसके आइकन आ रहे हैं, तो इसमें मैसेज आ गया वेलकम। तो आपने आज विंडो इंस्टॉल कर दी है। अब हमें इसके डेस्कटॉप के आइकन लाने हैं, तो कैसे लाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये आगे डेस्कटॉप, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं आइकन लाने के लिए, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। उसके बाद हमें डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, हमें कस्टमाइज डेस्कटॉप के ऊपर टिक करना है। ये जो ऑप्शन है ये इनको टिक करना है, इंटरनेट एक्सप्लोर, माइक्रोसॉफ्ट नेटफ्लिक्स एंड ओके। तो ऐसे हम विंडो एक्सपी लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और साथ में उसकी आइकन हम ऐसे लाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।